नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पीएम किसान का अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और उसके बावजूद भी आपका पेमेंट नहीं डल रहा है या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप घर बैठे आप कैसे आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं पीएम किसान का, कि अपना जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ था वो सब स्टेप से कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, इसके अंदर दोस्तों मैं केवल इसके अंदर जो बताने वाला हूं वो आपके फोन के अंदर कुछ ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ओके, उसके ऊपर आप आराम से चेक कर पाएंगे आपका पीएम किसान का जो स्टेटस है वो। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके ऊपर आप किसी भी प्रकार की जो समस्या आती है आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बना देता हूं। ओके, तो आज हम बात करेंगे पीएम किसान को लेके। दोस्तों, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका पीएम किसान का स्टेटस आपको चेक कैसे करना है। आपको जो पीएम किसान का जो ऐप दिख रहा है वो आपको प्ले स्टोर, यहाँ पे आपको तीन से चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है। जैसे आप बेनिफिशियरी पर क्लिक करते हो तो अगला स्टेप खुल के इस तरह से आता है। यहाँ पे दोस्तों चेक करने के रजिस्ट्रेशन आईडी और आधार कार्ड का ऑप्शन आता है, दोनों में से आप किसी से भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम लगाते हैं ये, तो वो जो मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जोड़ा था उस पर ओटीपी जाएगी, या फिर आधार कार्ड लगाया तो आधार कार्ड पर ओटीपी जाएगी, और इस तरह से आपके सामने फिर स्टेटस दिखाने लगेगा। तो चलिए हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इनका मतलब क्या होता है। पीएम किसान के अंदर दोस्तों कई सारे ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने मतलब पीएम किसान के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन उसका ना तो पेमेंट डल रहा है और कहीं का तो मतलब स्टेटस ही चेक नहीं कर पा रहे हैं वो, तो या फिर उनकी दिक्कत आ रही है। जैसे मतलब मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट में भी आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे स्टेटस के अंदर मतलब यहाँ पे बताता है आपको लैंड रिकॉर्ड सीडिंग नो स्टेटस, मतलब नो रिकॉर्ड बताता है। ओके, जैसे आ रहा होगा ऊपर ऊपर लैंड रिकॉर्ड सीडिंग स्टेटस नो आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है, सपोज करो आपने पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और उसको ई मित्र से ऑनलाइन करवाने के बाद मतलब आपने उसको अगर तहसील में जमा नहीं करवाया है तहसील स्तर पे, तो आपका ये 100% यही बताएगा आपका अप्रूवल नहीं होगा। और अगर आपने जमा करवा दिया है उसके बावजूद भी अगर ये समस्या आ रही है, तो आप एक बार वापस से तहसील स्तर पे जाइएगा, वहां पे आप बात करिएगा कि मैंने ऑनलाइन करवाया था, इसका मैंने फॉर्म आपको दिया भी है, जहां पे मतलब जो कर्मचारी पीएम किसान से संबंधित कार्य करता है वहां पे जाना पड़ेगा। ओके, वहां पे जाने के बाद आपको ये सब बातें बतानी है, मैंने आपको फॉर्म भी दिया है लेकिन अभी तक जो लैंड सीडिंग यानी कि जमी भूमि है वो अभी तक स्टेटस है जो नो बता रहा है, यानी कि अपडेट अभी तक यहाँ पे पोर्टल पे नहीं हुई है। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। वो अगर वो बताता है कि वापस से आपको करवाना पड़ेगा, तो आपको वापस से ई मित्र पर जैसे आपने फर्स्ट टाइम में ऑनलाइन करवाया था उसी तरह से वापस से पूरा प्रोसेस होगा, वो ई मित्र धारक वापस से अपडेट करेगा और जो नया फॉर्म देगा वो आपको वापस से मतलब प्रिंट सहित आपको जहां पे तहसील स्तर पे कार्य होता है पीएम किसान का वहां पे जाना पड़ेगा और वहां पे आपको जमा कराना पड़ेगा। ओके, हो गया क्लियर। अगर इसको लेके कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर आता है आधार सीडिंग विद बैंक रिकॉर्ड स्टेटस नो। ओके, अगर ये आ रहा है आपको नो आ रहा है, यस आ रहा तो फिर तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नो आ रहा है तो आपको क्या करना है, जो भी आपने बैंक अकाउंट अटैच किया है आपके पीएम किसान के अंदर, ओके, पीएम किसान के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया था उस टाइम पे आपने जो बैंक दिया था, उस बैंक के अंदर जाना पड़ेगा आपको आपका आधार कार्ड लेके, और वहां पे जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि आप मेरा जो आधार सीडिंग है वो आप कर दो, यानी कि डीबीटी करवाना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो नो रिकॉर्ड यानी कि बैंक सीडिंग नो आ रहा है वो आपको यस हो जाएगा जो पीएम किसान का पोर्टल है उसके अंदर। ओके, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये रहेगा, ई केवाईसी स्टेटस अगर आपके नो आ रहा है तो वो आप जो मैं ऐप बता रहा हूं, ऐप आप देख लीजिएगा, पीएम किसान का ही ऐप है, इसके ऊपर आप खुद यानी कि सेल्फ भी आप आराम से केवाईसी कर सकते हैं, इससे आपका फेस से ही आपका जो केवाईसी है वो होगा। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आता है तो आप जो भी आपके नजदीकी ई मित्र धारक है वहां पे जाके केवाईसी या तो फिंगर से या फिर ओटीपी से या फिर फेस से जो भी करते हैं वहां पे वो आप आराम से करवा लीजिएगा। ये तीन स्टेप है। जब ये तीनों स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपका जो प्रोसेसिंग होता है वो तहसील स्तर जिला स्तर से और फिर बाद में आगे जाता है। अगर जो आपका तहसील स्तर से आगे चले जाता है तो फिर मान लो कि आपका अप्रूवल हो जाएगा, पेमेंट जल्दी डल जाएगा। अप्रूवल हो गया है, पेमेंट नहीं डल रहा है, तो वो आप घबराने की चिंता नहीं आपको, क्योंकि पेमेंट कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास बजट कम होता है तो वो आराम से धीरे धीरे से भी डालते हैं, एक साथ ही पेमेंट डाल देते हैं। ओके, तो दोस्तों मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया आपको, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे और बताएगा कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका 100% मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।